हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीजीबी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा बेडरूम मेकओवर, जो कि है विंटर रेडी कोजी मेकओवर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सो दिस वॉज़ माई बेडरूम बिफोर मेकओवर। तो जब से हम यहाँ आए थे हमने कोई भी मेकओवर या डेकोरेशन नहीं किया था। जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी मैंने उस कॉर्नर शेल्फ पे वहाँ पे रख दिया था एंड दैट्स इट, माई बेडरूम वॉज़ रेडी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बरसात की वजह से बहुत सारे सीलन एंड पैचेस आ गए थे तो उन्हें भी ठीक करना था। एंड क्योंकि मैं यहाँ पे काम करती हूँ, जो भी मेरे एडिटिंग के काम होते हैं तो वो मैं यहीं पे करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कितना क्लटर्ड एंड मेसी दिख रहा है। तो मैंने इसे भी ऑर्गेनाइज़ किया एंड बेडरूम का ओवरऑल एक अच्छा मेकओवर किया है। तो लेट्स बिगिन विद द मेकओवर। तो विंटर मेकओवर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जो भी मेकओवर कर रहे हैं वो कोजी एंड डार्क हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ब्लैक कलर वॉलपेपर, जो कि ब्लैक नहीं दिख रहा है, ये डार्क ग्रे दिख रहा है। तो वॉलपेपर लगाने से पहले हम अपने वॉल को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, हम उसे डस्ट फ्री कर लेंगे। उसके बाद जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमें चाहिए क्राफ्ट कटर, सीज़र एंड साफ़ सुथरा एक फैब्रिक। अब हम सबसे पहले वॉलपेपर अप्लाई कर लेंगे। तो उसके लिए पहले हम थोड़ा सा पिल ऑफ करेंगे एंड इसे अच्छे से स्टिक कर देंगे। यहाँ पर मैं फैब्रिक की हेल्प से इसे स्टिक कर रही हूँ सो दैट कि मेरा वॉलपेपर कहीं से भी डैमेज ना हो और फटे नहीं। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा इसे पिल ऑफ करते चलेंगे एंड उसे हम फैब्रिक की हेल्प से अच्छे से स्टिक करते जाएंगे। स्टिक करने समय हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें डायरेक्शन अपना अप टू डाउन रखना है, जिससे कि कोई बबल फॉर्म नहीं होंगे एंड आपका वॉलपेपर बहुत अच्छे से स्मूथली स्टिक हो जाएगा। तो इस वॉल पे वॉलपेपर लगाने के बाद अब हम अदर साइड आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल की जो हालत है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले वॉल पुट्टी लगा दिया है। सब कुछ अच्छे से क्लीन करके वॉल पुट्टी लगाने के बाद मैंने इसे 24 आवर्स के लिए सूखने छोड़ दिया। अब ये अच्छे से कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे करूँगी सैंडिंग। सैंड करने के बाद हमने इसके सर्फेस को स्मूथ कर लिया है एंड क्योंकि आप नीचे टाइल्स देख रहे हैं तो उन सबको इवन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक व्हाइट कलर का वुडन प्रिंट वाला वॉलपेपर स्टिक किया है। तो अब हर जगह वॉलपेपर लग चुका है। अब हम वापस आते हैं इस वॉल की तरफ। तो अब हम यहाँ पे कर लेंगे थोड़ी सी क्लीनिंग। तो यहाँ पे मैंने ये दो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ प्रिंट कराए हैं जिनको मैं सामने की वॉल पे हैंग करने वाली हूँ। तो इस नेल की हेल्प से मैं इसे यहाँ पे हैंग कर दूँगी। बट क्योंकि डार्क वॉल पे डार्क फ्रेम अच्छा नहीं दिख रहा था तो इसके लिए मैंने इसे वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया है। तो फ्रेम को पेंट करने के बाद अब ये वॉल पे बहुत अच्छे से पॉपअप कर रहा है। तो अब हम करेंगे थोड़ी फर्निशिंग। तो बेडशीट लगाने से पहले मैं अपने मैट्रेस के ऊपर डालूंगी एक ब्लैंकेट, जिससे कि ये थोड़ा और कोजी हो जाएगा हमारा बेड। कॉन्ट्रास्ट के लिए मैंने यहाँ पे ये लाइट कलर की बेडशीट यूज़ की है एंड उसके बाद थोड़ा सा पॉप करने के लिए मैंने यहाँ पे काथा स्टिच का कुशन कवर ऐड किया है। तो विंटर्स हैं तो हमें लेयरिंग करनी है एक अच्छे से ब्लैंकेट या क्विल्ट से। तो अब जो ये कॉर्नर शेल्फ है इसे मैं डेकोरेट करूँगी यहाँ पे कुछ चीज़ों से। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये एक लैम्प, जो कि मैंने मंगवाया है बुलबुल ऐप से, एंड देन दिस क्यूट DIY सक्यूलेंट। नेक्स्ट शेल्फ पे मैं रख रही हूँ ये बॉटल लैम्प, जिसमें मैंने यूज़ किया है कॉक फेरी लाइट। तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। लास्ट में मैंने ऐड किया है एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर। एंड लास्ट में ऐड कर रही हूँ ये मून लैम्प,
जो कि है आपको रिचार्जेबल, एंड इसके साथ आपको आता है ये एक स्टैंड, आप इसे इजीली कहीं पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मंगवाया है एक फ्रिज मैग्नेट प्लांटर, जिसमें आप पानी डाल करके कोई भी प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो इसके साथ आपको मिलता है ये एक ब्रश, एंड ये सेरामिक का है, एंड पीछे की तरफ इसके मैग्नेट्स लगी हुई है, जिससे कि आप इसको किसी भी आयरन पे या फ्रिज पे अच्छे से स्टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे वॉल पे स्टिक करने वाली हूँ, उसके लिए मैं ले रही हूँ ये क्राफ्ट कटर का ब्लेड। आप चाहें तो कीज़, ब्लेड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एंड उसे स्ट्रांगली होल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पे 3M का डबल साइडेड टेप यूज़ किया है। तो कुछ इस तरीके से मैं इसे इस पर स्टिक कर दूँगी, एंड इस ब्लेड को मैं DST की हेल्प से वॉल पे स्टिक कर दूँगी। अगर आप मेरी तरह वॉल पे स्टिक कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके वॉल का पेंट बहुत ईजिली निकलने वाला ना हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्टिक कर दिया, एंड आप देख सकते हैं कि बहुत ही ईजिली मैंने इसे वॉल पे स्टिक कर लिया है। तो नीचे मैंने अपना ये बास्केट रख दिया है, जिसके अंदर मेरे विंटर की कैप्स, हेडफोन्स वगैरह मैंने रखी हैं। तो अब आते हैं हम इस वॉल की तरफ। तो इस वॉल को हमें थोड़ा सा अलग सा लुक देना था, थोड़ा सा पॉपी, थोड़ा सा क्विर्की लुक देना था। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक गिटार हैंग कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे एक पुराना सा पेंटिंग का फ्रेम, तो इसको मैं रीयूज़ करने वाली हूँ। एक ये DIY है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका जो फ्रेम है, जो पेंटिंग है, उसे हम अलग कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे ये दो प्रिंटआउट्स यूज़ कर रही हूँ, इन दोनों को मैं फ्रेम करने वाली हूँ एक्चुअली। तो जो वाइट पोर्शन है उसे मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। तो इस प्रिंट का मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप ऑनलाइन इसे चेक कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड कॉन्ट्रास्ट के लिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर का पेपर यूज़ कर रही हूँ बैकग्राउंड में, एंड उसके बाद हम इसे फ्रेम कर देंगे। तो फ्रेम होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस तरीके से मैंने दो सेट रेडी कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हूँ कुछ म्यूज़िक नोट्स। तो उसके लिए मैंने लिया है प्रिंट आउट, एंड ये कुछ ग्लिटर वाले फोम स्टिकर्स। तो जो ये म्यूज़िक नोट्स हैं उनको मैं फ़ोम पे इस तरीके से ट्रेस कर लूँगी, क्योंकि मैंने सीधा इसे प्रिंट कर लिया था। तो इसके लिए मैं इसके बैक की तरफ इसे ट्रेस करूँगी, सो दैट कि जब हम इसे कट करेंगे तो ये सीधा होगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से बहुत सारे म्यूज़िक नोट्स कट कर लिए हैं। अब हम इसे करेंगे स्टिक। तो आप जो भी पैटर्न या डिज़ाइन चाहते हैं उस तरीके से आप इसे स्टिक कर सकते हैं। तो फ्रेम हमने हैंग कर दिया है, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है ये वॉल हैंगिंग प्लांटर। तो ये भी सेम है, आपको इसमें कुछ टेस्ट ट्यूब्स मिलते हैं जिनमें आप पानी फिल करके अपने प्लांट्स को प्रोपोगेट करने के लिए लगा सकते हैं।
तो रूम को थोड़ा और कोजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी दरी ऐड की है एंड उसके ऊपर मैं ऐड करूँगी एक कॉर्नर टेबल एंड उसके ऊपर एक सिंगोनियम का प्लांट। तो अब हम चलते हैं अपने रूम के लास्ट कॉर्नर की तरफ जो कि है मेरा कंप्यूटर टेबल। तो यहाँ पे मैं आइस ग्रे कलर का कर्टिन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने ओवरऑल जो थीम है वो वाइट एंड ग्रे का रखा है एंड थोड़ा सा पर्पल मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो यहाँ पे मैं ये शेयर कर्टन यूज़ कर रही हूँ एंड इसे मैंने सिर्फ लुक के लिए यहाँ पे यूज़ किया है, थोड़ा सा डेप्थ दिया है मैंने यहाँ पे एंड इसे कुछ इस तरीके से मैं टाई कर दूँगी। तो अब आते हैं हम अपने टेबल की तरफ। तो यहाँ पे इसके लेग्स आप देख सकते हैं कि कैसा है, तो इसे मैं कर दूँगी ब्लैक कलर से पेंट। तो टेबल टॉप को मैंने ऑलरेडी वॉलपेपर से कवर कर रखा था। अब आती है इस चेयर कुशन की बारी। तो इसे मैंने इस तरीके से अटैच किया हुआ है अपनी चेयर में। फ़िलहाल मैं इसी चेयर पे बैठ के काम करती हूँ एंड इसे कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये एक थ्रो। ये बीच कलर का थ्रो है, ये वाइट नहीं है, ऑफ वाइट यू कैन से। तो इससे मैं अपनी चेयर को अच्छे से कवर कर दूँगी। वार्म लाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लोर लैम्प ऐड किया है। तो मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड में वॉलपेपर लगा के बैक पैनल को कवर किया है जिससे सारे वायर्स जो हमारे थे वो हाइड हो गए हैं। तो ये वीडियो आज यहीं ख़त्म होता है। तो मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर।